नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने न्यूज़चैनल इंडिया समाचार। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जहानाबाद क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की हुई अपेक्षा। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी रंजीत पटेल ने प्रचार के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति के एक व्यक्ति को लेकर वायरल हुए वीडियो से बंदगी। विधानसभा क्षेत्र से अपना दल के प्रत्याशी जय कुमार सिंह जय की मुश्किलें बढ़ती रही है। वायरल वीडियो में राजेंद्र सिंह पटेल भाजपा प्रत्याशी विधानसभा जहानाबाद के कार्यकाले में उद्घाटन अवसर पर माइक से बोलते हुए सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि अभी तक अपना दल के जो विधायक जहानाबाद से रह रहे हैं उनके समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, लेकिन इसी प्रकार प्रत्याशी भाजपा ने राज पटेल हैं जो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देंगे और अपनी समस्याओं को भी सुनेंगे। हम इस वायरल की पुष्टि नहीं करते, किंतु जमकर वायरल इस वीडियो की वजह से वंदकी क्षेत्र में अपना दल प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में लगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में साफ बेचैनी दिखी है। पहले से ही भारतीय जनता के स्थानीय कार्यकर्ता अपना दल प्रत्याशी को पचा नहीं पा रहे थे और गठबंधन धर्म को निभाते के नाम पर औपचारिक रूप से धर्म कुमार सिंह जैकी के साथ दिख तो रहे थे, लेकिन पीठ पीछे वह अपनी निष्ठा को स्वयं सवालों को घेरे में खड़ा करते रहे हैं। बंदकी नगर से रामेश्वर दयाल उर्फ दयालु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन समाज अधिकांश भाजपा में को वोट कहे जाने वाले वैश्य हैं। वैश्य मतदाताओं को जुड़ाव के साथ अस्पष्ट दिखा रहा है। ऐसे इस वीडियो में वायरल भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खलबली मचा दी है। दूरी और दो दिन पूर्व अपना दल एसपी सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल का यह बयान भाजपाओं के लिए काफी बेचैनी वाला रहा, लेकिन जिन्होंने कहा था कि अपना भाजपा कोई वैचारिक तालमेल नहीं है, वह धार्मिक मामलों से दूर दूर सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, ब्यूरो चीफ फतेह। सारे कार्यकर्ताओं का था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी बन के आए, हम उनके लिए भी जान से लगेंगे, लेकिन उसके साथ मैं आदरणीय मंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ, कई बार धूप का जला हुआ व्यक्ति सांस से भी डरता है। मेरी बात बहुत गंभीरता से मेरे मंत्री रही है और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी के विधायक बनने के बाद यहाँ वो उपेक्षा कार्यकर्ताओं की नहीं होगी। मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप सब लोगों ने देखा होगा मुझे 7 वर्ष हो गया, मैंने कभी भी किसी के साथ कोई पक्षपात करके राजनीति नहीं की, मैंने पार्टी हित में काम किया, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए किया है। इसी तरह से विधायकों की भी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी व्यक्ति एक समाज के बल पर न सांसद बनता है न विधायक बनता है, कोई भी चुनाव हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा चुनाव हो, एक जाति के बल पर कोई भी कोई प्रतिनिधि नहीं बन सकता है। जब तक उसमें सारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तब तक वो प्रतिनिधि नहीं बन सकता है।